मतलब वो भी 2-3 साल पढ़ा है, उनके आपा के जरिए मैं चाहूंगा कि वो आए और उनके जरिए माला से सम्मानित किया जाएगा कोटवा प्रखंड के डीडीओ को। और इस तरह से मैं कोटवा प्रखंड के डीडीओ माननीय गोराज राय, सबसे पहले मैं इस क्षेत्र की माननीय सदस्य विधानसभा की सदस्य रजिया खातून जी, जिला कल्याण पदाधिकारी महोदय, इस प्रखंड के नामी कुछ सेवानिवृत्त शिक्षक गण जो यहाँ उपस्थित हैं और इस प्रखंड के अनेक कस्बों से आकर के इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, उन लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपनी ओर से। मैं इस प्रखंड के निकासी और पैन पदाधिकारी की हैसियत से तमाम आगंतुकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं इस समय कोविड में नहीं अट रहा हूँ, इस समय मैं बासों छल रहा हूँ कि हमारा पढ़ा हुआ शिष्य कामयाबी के इस शिखर पर पहुंच गया है कि इसके कार्यक्रम को देखने के लिए इतने लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मैं पर सबसे पहले इस कोचिंग के संचालक परवेज आलम और जितने भी इसमें शिक्षक बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, मैं उन लोगों को अपने तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूं। मैं पहले सबसे पहले जो राष्ट्रीय तिरंगा झंडा है ये किसका प्रतीक है, इस प्रतीक के बारे में आप लोगों के सामने बोलूंगा। देश शासन सत्ता के विरोध बहुत दिन से चल रहे संघर्ष का प्रतीक है, इस प्रतीक की लाज हम लोगों को रखनी है। ये हम लोगों की रूपी राष्ट्रीय तिरंगा झंडा जो फहरा रहा है पर आकाश के छेदी पर, वो हम लोगों की शान है, अरमान है, शान है, अरमान है। इसको हम हनाती नहीं छोड़ने देंगे, कारण कि आज का यह दिन वो दिन है जिस दिन हमारे बहुत स्वतंत्रता सेनानियों ने, अमर शहीदों ने, जवानों ने अपनी कुर्बानी देकर आज रखी और इसको तिरंगे को फहराया। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और उस दिन से हमारा देश गणतंत्र देश घोषित हुआ, रिपब्लिक घोषित हुआ उस दिन से, और उस दिन से संविधान के अनुपूर्ण हमारा यह देश चलने लगा। इस संविधान में धाराएं हैं 108 अनुच्छेद है और संविधान के मताओं ने इस संविधान के अनुकूल काम नहीं करने वाले को कठोर दंड का प्रावधान किया है संविधान में। इसलिए हमारे जिला कानून में ऐसी चीज है, शिक्षा ही ऐसी चीज है, पढ़ाने का काम करूंगा। मैं काफी खुश हूँ कि यहाँ के बच्चे जितने अपने जागरूक हैं, तो विद्यार्थी जीवन जो है तपस्या करने का जीवन है, विद्यार्थन करने का समय है, स्टूडेंट लाइफ इज द सीड ऑफ लाइफ, इट शुड बी यूज्ड द बेस्ट वे टू मेक द फ्यूचर लाइफ। विद्यार्थी जीवन विद्यार्थन का समय है, आज का विद्यार्थी जैसा पीर होगा वैसे ही फसल भविष्य में लगा देता है। तू लोग पढ़ने के लिए
परीक्षा में पास कर जाओ। वैसे शिक्षक जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने के लिए यदि शिकायत कर दे, उत्प्रेरित कर दे, आप क्या बनना चाहते हैं, कैसे हमें बुलाएंगे। दीन एक दरिया है यार, दीन एक दरिया है यार, जिंदगी बरसात है, दीन एक दरिया है यार, जिंदगी बरसात है, तुम हटा मन करके जियो, हमारा सहयोग तुम्हारे साथ है, साथ है। और तमाम इन लोगों को है आप लोगों से प्रकार मैंने जहां पा लिया है, जमीन तो जमी है, जमीन तो जमी है, आप पा लिया है, और से बचता है अभी बाकी बहुत लगता है। लेकिन हमारे जो हाई स्कूल से प्रिंसिपल से जब रिटायर हुए हैं, हमारे किशोर पांडे जी, इन्होंने कहा है कि आपके स्टेज पर जाएं और आजादी के दीवानों को उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कुछ दृष्टांत पेश करें, कुछ एग्जाम पेश न करें, जलम राजा नहीं आएगा। और मैं उनके लिए एक छोटे काम काम पेश करता। बनिया जहाज से आ रहे थे, क्या किया उनका कुटवा जो निकाल करके रखे हुए और रहे थे उस विदेश में इंग्लैंड को इंग्लिश मैन ने पूछा कि ओल्ड मैन वेयर इज माय सूट।